बॉलीवुड एक्टर सलमान खान जिसके घर उपर बीते दिन दो हमलावर वालों गोलियां चलाई गई सन तो इस तो बाद पुलिस ने इन्ह हमलावर गुजरात तो अरैसट भी कर लिया सी। तो दोस्तों हुण इस सब उपर सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह का भी बयान आया है। बलकौर सिंह ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मार्च 2023 जेल विच दो इंटरव्यू करके मेरे पुत्र के कतल की जिम्मेवारी ली गई और सलमान खान नूं मारन दीआं धमकियां दित्तियां गईआं। सिस्टम सानू टिचरां करदा रहा, इंटरव्यू कित्थे अते किन्ने करवाई, किहड़े मुलाजमां दी शैह हेठ होई। माणयोग हाई कोर्ट दे हुक्मां दे बावजूद सरकार ने कुछ पड़ताल नहीं कीती अते अज धमकियां देण वाले सलमान खान ते हमला भी कर गए। पंजाब सरकार ने 3 महीने का समा होर मंगया है, कि हुण चोणां लंघ जाण दा इंतजार कीता जा रहा है। 6 महीनों तो हाई कोर्ट इंटरव्यू नूं सबूत वजो पेश करन लई हुक्म दे रही है, पर प्रशासन अदालत तक दे हुक्मां नूं छिके टंग रहा है अते इन्हां गुंडियां दे खिलाफ कोई कार्रवाई अगे नहीं वधाई जा रही। सिक्योरिटी जानकारियां लीक, करोड़ां दे हथियार, जेलां विच्चों इंटरव्यूआं, इह सब सियासी लीडरां दी मिली भुगत बिना हो ही नहीं सकदा। जिन्हां लीडरां हथ असीं अपने देश दा सिस्टम देना है उन्हां नूं इस गुंडागर्दी खिलाफ सवाल भी नहीं कर सकते।